हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ माने। वेलकम टू मूवी शू। वी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कॉफी विद करण की, जो कि एक लेवल की मेच्योरिटी आई थिंक अटेन कर चुका है। क्योंकि पहले जहाँ पर बहुत सारी गॉसिप्स होती थी, एक दूसरे का लोग सर फाड़ते थे, फिर अगले दिन वो गॉसिप कॉलम्स के अंदर वो आना शुरू हो जाता था और फिर किसी की इक्वेशन किसी से खराब हो जाती थी। बाहर वाले लोगों को ये मौका मिल गया कि जी हाँ, हम अंदर आ सकते हैं, हमारे पास बड़े सारे सीक्रेट्स हैं और उसके बाद नेपोटिज्म जैसी बातें, हमारे पास सारे अलग अलग तरीके की बातें, वो सारी चीज़ें बाहर आनी शुरू हो गई थी। बट जितने भी चैट शोज होते हैं, उसका एक इंट्रिंसिक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि व्हाई वी सी दीज शोज टू एक्चुअली नो मोर अबाउट द एक्टर्स, उनकी लाइफ, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी पर्सनल टेस्ट वगैरह, ये सब चीजें जो बातें थी वो बैक सीट ले गई क्योंकि करण जो है थोड़ा सा दूसरा रास्ता पकड़ लिया। बट अब ये जो शो है, जो मैं एक जिसे कहते हैं रिफॉर्म्ड रिजुविनेटेड तरीके से देख रहा हूँ, तो ये कोई भी फैमिली वाला इंसान इसको लार्जली देख सकता है। इसके अंदर कोई भी स्लीजी बातें नहीं है, इसके अंदर डायनामिक्स जो हैं स्ट्रगल की हैं, इसके अंदर जो अमीर हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल अजय देवगन और रोहित शेट्टी, जिस तरीके की अपनी बैकग्राउंड बता रहे हैं, जब उसके पेरेंट्स किस तरीके से यहाँ पर आए थे, इनकी खुद की स्ट्रगल, फिर उसके बाद आज के मुकाम के ऊपर ये जो चीज़ें पहुँच गए हैं, तो लोग इसको नेपोटिज्म के नजरिए से जरूर देखते होंगे, लेकिन बहुत ही अलग तरीके का इसके अंदर कॉन्वर्सेशन चला कि भाई अब देखो हमें एक मुकाम पे पहुंच गए, लेकिन उस मुकाम पे पहुंचते रहना और वहां पर उसको मेंटेन कर पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और कोई भी कंसिस्टेंटली अगर टॉप पे रह रहा है तो फिर वो कुछ तो अलग डिफरेंटली कर रहा है और उस डिफरेंटली के लिए बहुत ज्यादा मेहनत होती है। पीछे रातों को जागना भी पड़ता है, आपकी सेहतें भी खराब होती हैं, बहुत कुछ है। ये जो स्ट्रगल थी, चाहे वो रोहित शेट्टी की थी, चाहे वो उसके फादर बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई, उनकी मदर को सारा टाइम काम करना पड़ा, चाहे वो वीरू देवगन थे जो अजय देवगन के फादर थे, जो यहाँ पर आए थे और ऑलमोस्ट एक गैंग को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ से वो आइडेंटिफाई हुआ एज अ ग्रेट फाइट मास्टर। तो ये जो स्टोरीज थी, ये नॉस्टैल्जिक स्टोरीज थी, कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करती है। मुझे लगता है कि लोगों को नेपोटिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है कोई भी जना जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, थोड़ा सा भी जना जो अमीर हो जाता है, उनको ऐसे लगने लग जाता है ये प्रिविलेज है। अब दो के लोग होते हैं, जैसे मैं समझाता ही रहता हूं कि भाई एक जना ये होता है जो दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करता है कि तू मेरे पैरेलल ही आ जा, और वो वैसे कहना नहीं चाहिए बट मेरे को कंगना उसी तरीके की लगती है। पर और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है और उनके मुकाम तक पहुंचना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा रणवीर कपूर या बॉबी देओल, उस तरीके के एक्टर्स जो बोलते हैं कि ठीक है हमारे फादर ने, ग्रैंडफादर ने जो भी किया सो किया, हमें और मेहनत करके उनके मुकाम तक पहुंचना है, तो वी कांट टेक आर थिंग्स फॉर ग्रांटेड। एंड सिमिलरली फॉर रोहित शेट्टी, अजय देवगन, वेरी वेरी इंस्पायरिंग पीपल हु रियली वॉन्ट टू एक्सेल इन द फिल्म इंडस्ट्री और इन एनी फील्ड, दे कैन जस्ट टेक देयर एग्जाम्पल्स हाउ टू कीप देयर हेड ग्राउंडेड एज वेल एज कीप वर्किंग हार्ड एंड अटेन सक्सेस एज दे हैव। ठीक है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये शो। आपको कैसा लगा जरा कॉमेंट करके बताना।